व्यूअर्स, आपको सिखाने जा रही हूँ लौकी के कोफ्ते। देखिए व्यूअर्स, मैंने लौकी के कोफ्ते बनाकर रखे हैं, और अगर आपको चाहिए कि मैं लौकी के कोफ्ते की रेसिपी आपको दूँ तो प्लीज़ आप कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, तभी मैं आपको लौकी के कोफ्ते बनाना भी सिखा दूँगी। तो चलिए देखिए कैसे बनाते हैं लौकी के कोफ्ते। कढ़ाई रख लीजिए और गैस ऑन कर दीजिए। अब आप इसमें थोड़ा ऑलिव ऑयल डालिए। ऑलिव ऑयल सेहत के लिए अच्छा होता है, इसीलिए हम ऑलिव ऑयल डालते हैं। अब ऑलिव ऑयल डालने के बाद आप इसमें इसको थोड़ा गर्म होने दीजिए और इसमें थोड़ा जीरा डाल दीजिए और थोड़ा हींग डाल दीजिए। जीरा हींग के साथ ही लहसुन भी डाल दीजिए और अब इसको जीरा को लाल होने दीजिए और लहसुन को भी थोड़ा लाल होने के लिए छोड़ दीजिए। देखिए बहन, देखिए व्यूअर्स, ये मैंने एक छोटी मीडियम साइज प्याज लेके अनियन इसको ग्रेट कर लिया है, कद्दूकस कर लिया है, और तीन चार टमाटर उसको भी ग्रेट कर लिया है, कद्दूकस कर लिया है। उसमें थोड़ा सा अदरक भी कद्दूकस कर दिया है और एक हरी मिर्च काट के उसमें तैयार कर दी है। अब आप क्या कीजिए, ये प्याज को इसके अंदर थोड़ा डाल दीजिए भूनने के लिए। ये मेरी प्याज है, ये मैंने डाल दिया। अब मैं इसको प्याज को थोड़ा भूनूंगी। मैंने गैस अभी फुल पे कर रखी है और ये मेरी प्याज यहाँ भून रही है। गैस को थोड़ा स्लो कर लीजिए ताकि प्याज जले मत, और इसको लाल होने के लिए छोड़ दीजिए। तीन चार चम्मच दही ले लीजिए, इसके अंदर स्वादानुसार नमक डाल लीजिए, क्योंकि ये ग्रेवी वाले रशे के कोफ्ते हैं तो थोड़ा नमक ज़्यादा ही पड़ता है। थोड़ी लाल मिर्च डाल लीजिए व्यूअर्स, थोड़ा हरा थोड़ा पिसा धनिया डाल लीजिए, थोड़ी हल्दी डाल लीजिए, थोड़ा गरम मसाला डाल लीजिए, और अगर थोड़ा खट्टा टेस्ट करना है तो थोड़ा सा मैंगो पाउडर अमचूर वो डाल दीजिए। ये देखिए, अब इसको ऐसे मिला लीजिए और इधर बीच में प्याज को भी थोड़ा चलाते रहिए। देखिए थोड़ा प्याज व्यूअर्स लाल होने लगी है। अब आपको क्या करना है, आपने ये जो टमाटर कद्दूकस करके रखा है ये इसमें डाल दीजिए और इसको इस तरह चलाते रहिए। थोड़ा सा टमाटर में उबाल आने दीजिए। अब ये टमाटर थोड़ा उबलेंगे, इसको उबलने के लिए थोड़ा छोड़ दीजिए। और अब आपको व्यूअर्स क्या करना है, ये जो आपने दही का मसाला तैयार किया इसको टमाटर के अंदर डाल दीजिए और इसको चला दीजिए। ये थोड़ा मैंने पानी ले लिया। आपके जितने कोफ्ते हैं उसके हिसाब से आप बना लीजिए। अगर आप इसकी ग्रेवी थोड़ा थिक चाहते हैं तो थोड़ा पानी कम डालिए, और पर इसको आप चलाते रहिए, नहीं तो आपने इसके अंदर, और गैस फुल कर लीजिए। अगर आप ये नहीं चलाएंगे तो दही इसके अंदर फट जाएगी, वो टुकड़े टुकड़े में आपको नज़र आएगी, इसलिए आप इसको लगातार चलाते रहिए और इसको ऐसे चलाते रहिए जब तक इसके अंदर एक उबाल ना आ जाए, और इसके अंदर थोड़ा पानी भी ऐड कर लीजिए। और इसमें आप अच्छे से बॉईल होने पे ये मेरे कोफ्ते हैं एक एक करके ये इसके अंदर डालना शुरू कर दीजिए, क्योंकि थोड़ा सा ग्रेवी कोफ्ते भी कंज्यूम करते हैं, पीते हैं, तो इसलिए ऐसे करके आप इसके अंदर कोफ्ता डालना शुरू कर दीजिए। गैस फुल रखिए व्यूअर्स। अब ये देखिए व्यूअर्स, मैंने थोड़ी कसूरी मेथी ली है और इसको अच्छे से वो मसल लिया है, और इसको जब ये बन रहा है तो इसको इस तरह से करके पकने के समय डाल दीजिए व्यूअर्स। और व्यूअर्स देखिए अब ये पक रहे हैं, मैं इसको पकने के लिए छोड़ देती हूँ। ये 5 मिनट तक पकेंगे ताकि कोफ्ते के अंदर तक ग्रेवी चली जाए। सो व्यूअर्स देखिए, अब ये मेरे कोफ्ते बनकर तैयार हो गए हैं, और इसको इस प्रकार सर्विंग बाउल में निकाल लीजिए और इसको थोड़ी क्रीम लीजिए, ऐसे करके उसको क्रीम से थोड़ा गार्निश कर दीजिए। कहीं फिर थोड़ा सा हरा कटा हुआ धनिया लीजिए व्यूअर्स, और उससे इसको अच्छी तरह गार्निश कर दीजिए। इसीलिए व्यूअर्स देखिए,
कितना सुंदर लौकी का कोफ्ता तैयार हो गया। और हम सब बोलेंगे लौकी का कोफ्ता खाइए और फ्लॉलेस फैशनिंग का शुक्रिया कीजिए। धन्यवाद।